Okay guys, so today topic is variables, how to define variables in Python. Okay, so let's get started. So first thing, what is variables basically? So variables ka use kya hai, kaise usse use karte hai? So variables is nothing like what ki it store the data into what a computer system memory. So means of what? Why are we storing these things? What obviously kaise hota hai ki aap kisi bhi cheez ko usse define karte ho. Let's imagine, suppose if I am defining my name, right? अब वो स्पेसिफिक नेम को मुझे फॉर सम डाउन किसी दूसरे स्पेसिफिक लोकेशन पे मुझे क्या करना है, उसे कॉल करना है. तो बेसिकली कैसा होता है कि जो नेम, सो बेसिकली नेम इज लाइक, तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी एनी थिंग कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल कौन सा नेम आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फ्रॉम दैट सिनारियो. सो वो सिनारियो में कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करते हैं. सो वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली कैसा होता है कि हम एक क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेबल प्रोवाइड करते हैं, इट्स लाइक अ रेफरेंस नेम और लेबल एज यू कैन से, और उसको एक वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं. ठीक है, तो वो होता क्या है कि जब पाइथन इंटरप्रिटेशन होता है तो वो क्या करता है कि मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. सो नेक्स्ट टाइम जब मैं स्पेसिफिक लेबल, जो मेरा स्पेसिफिक रेफरेंस नेम जो मैं डिफाइन करता हूँ, तो जब मैं किसी दूसरे स्पेसिफिक लोकेशन या किसी दूसरे फंक्शनलिटी में इसको यूज करता हूँ, तो ड्यूरिंग द टाइम वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक जो रेफरेंस वेरिएबल मैं डिफाइन किया था उसके वैल्यू को क्या करेगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग यूजर नेम लाइक सो, एंड हियर आई जस्ट पासिंग समथिंग लाइक से जॉन. ओके, और मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करता हूँ. सो लाइक आई सेड, वी प्रिंट यूजर नेम, लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन. सो दिस इज वी कॉल अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो वेरिएबल, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जॉन स्पेसिफिकली क्या हो गया कि ये मेरा वैल्यू हो गया, जो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, और ये वैल्यू को मैं एक असाइन करूँ एक रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज व्हाट बेसिकली से लेबल, राइट. तो जॉन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम जब मुझे जॉन का वैल्यू कॉल करना होगा तो मुझे जॉन नहीं कॉल करना होगा, मुझे रेफरेंस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, रेफरेंस लेबल को कॉल करना पड़ेगा जिसमें मैंने जॉन के वैल्यू को असाइन किया था, यानी कि स्टोर किया था. अब ये यूजर नेम मैं जहाँ जहाँ पे भी डिफाइन करूँगा वहाँ वहाँ पे वो क्या करेगा, जॉन के वैल्यू को प्रिंट करेगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन कि वेरिएबल्स को कैसे पाइथन में डिफाइन करते हैं, राइट. सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ मेनी वे वी कैन डिफाइन द वेरिएबल्स. सो वेल, वेरिएबल्स डिफाइन करने के ऐसे तो बहुत वेरियस टाइप है, बट उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन, तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हूँ कि कैसे वो डेटा, वो स्पेसिफिक डेटा टाइप वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया स्ट्रिंग. सो जब मैं कोई कोट, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स अप्लाई करता हूँ, दैट्स बिकम अ स्ट्रिंग. नाउ इन दिस केस आई गोना स्टोर सम नंबर आल्सो. सो लेट्स सी कि यहाँ पे दिया काउंट, एंड इन दिस काउंट आई एम जस्ट कॉलिंग 100. सो ये मेरा हो गया इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू. सो दिस इज व्हाट माय इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू. Now if I print this one again and let's see what is going to happen. So I just call to this count and let's run this one, as you can see. So ये मेरा हो गया integer type of value जो एक specific variable में मैं क्या कर रहा हूँ, store कर रहा हूँ. ठीक है, अब ऐसे ही float type value भी होते हैं जो decimal में हम define करते हैं, like I say random kind of. So I say 100.450 something. ये basically ये जो specific value होगा वो मेरा float type होगा. ठीक है, तो if I run this one then it's called to random and let's print, as you can see. ठीक है, और जो next primitive data type है वो है boolean. So boolean is basically like true and false value. So ऐसे is published, so उसको ने value दिया true. So cap case sensitive होता है guys, so first letter should be capital. So it's called to print is published. Okay,
save this file again, as you can see. And similarly you cannot write like this way, right? No, it's wrong. Aapko hamesha first letter should be capital rahega. And same like for false ki case mein bhi aise hoga. Okay, that's all. All right, perfect. So the second thing is what ki how many way we can define variable declaration, like kitne ways ko define karne ke, right? So ye to maine value types bata diya jo variables ko define karta, variables jo specific name jo wo define karta kaise represent karte, right? So the first one is a normal approach, just like which is I just write here. And bahut sare log aap usko aise bhi define kar sakte ho, like starting with one special character like underscore, like so. And even you can write like your that letter should be here, like you can write like this way also. We call like here, that just work perfectly fine. Or either you can write like this way, user underscore name, something like that. Okay, so this is the best approach to define the variable, like so. So one important thing guys, aap variable declaration number se start nahi kar sakte, like something like that. Haan, aap aise kar sakte, like user 10, that's perfectly fine, it's work. But you cannot write that, you cannot create your variable start with a number, like something like that. Okay, so please make sure that guys ki just वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, जो वेरिएबल आप नेम कैसे रिप्रेजेंट कर दो बहुत मैटर करता है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे राइट लाइक नेम समथिंग लाइक दैट. सो जैसे कि मेरा नाम है यूजर नेम, फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर यूजर नेम एंड दे कॉल लाइक यू एन. सो व्हाट इज यू एन, इट्स मीनिंग लाइक दिस, राइट? सो ये चीज आपको हमेशा टेक केयर करना है कि आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करो और स्पेसिफिक वेरिएबल जो नेम है, जो रेफरेंस वेरिएबल्स आप डिफाइन करो, दैट शुड बी और यूनिक होना चाहिए और एक मीनिंग थिंग्स होनी चाहिए, बिकॉज आप किसके लिए ये क्रिएट कर रहे हो. यू एन इज नॉट लाइक, वॉट इज यू एन, इट्स नॉट मेक एनी सेंस, राइट? वंस आई कॉल यूजर नेम, ओके, इट्स मोर comfortable to read these things, right? आप उसको readable है, अच्छे से आप उसको proper way से read कर सकते हो. But if some way if you write UN, it's not a good way to write such kinds of variable. So ये चीज़ आपको बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी. That's very important. One last thing I just want to cover here. Please make a space between this जब during the value assign करो. Don't write like this way. It's a bad habit. It's a bad approach, right? You can't write like this way. So please make sure that key something call like this way, make a space, and that looks much neat and clean code, right? So this is all about variable. Okay guys, so thanks for watching guys, I'll see you next time, bye and take care.